साल 2020 में दुनिया में कोरोना ने तो कहर बरपाया ही, लेकिन इस साल मौसम से जुड़ी आपदाएं भी पीछे नहीं रही। जरा देखिए ये तस्वीरें। शोधकर्ताओं का कहना है कि बिन मौसम बारिश, बाढ़ और ज्वालामुखी का फटना, इन सब का कारण है क्लाइमेट चेंज। और जल्द ही अगर धरती पर गुड क्लाइमेट चेंज नहीं किया गया तो ऐसी घटनाएं और आपदाएं लगातार बढ़ती रहेंगी। इन तस्वीरों को देखकर हम कह सकते हैं कि ये साल दुनिया के लिए मुसीबतों की मिसाल बना रहा। इस साल दुनिया भर में सड़कों और सोशल मीडिया पर क्लाइमेट चेंज को लेकर कहां कहां प्रदर्शन और हड़ताल हुए, जरा एक नजर इस पर भी डाल लीजिए। क्लाइमेट चेंज की दिशा में पेरिस समझौते को काफी अहम माना जाता रहा है, जिसके 5 साल हाल ही में पूरे हुए हैं। इस मौके पर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने दावा किया कि उनके कार्यकाल के पहले दिन अमेरिका फिर से पेरिस जलवायु समझौते में शामिल होगा। बता दें कि पेरिस जलवायु समझौते के मुताबिक साल 2030 तक दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक कम किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं भारत भी क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को लेकर काफी गंभीर है। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में अब भारत पूरी दुनिया को दिशा दिखा रहा है, नेतृत्व कर रहा है। नवंबर में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने बाइडेन को जीत की बधाई के साथ साथ उनसे कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन और भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि दुनिया भर के देशों से क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या क्या उम्मीदें हैं और खासकर भारत क्लाइमेट चेंज में अपना क्या रोल निभा रहा है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि CCPI की लिस्ट में भारत कौन से नंबर पर है। CCPI, इसकी फुल फॉर्म है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इस इंडेक्स को जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट जर्मनी की तरफ से क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के साथ मिलकर तैयार किया गया है। कौन सा देश जलवायु के लिए कितनी कोशिशें कर रहा है, इसे बताने के लिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 की लिस्ट जारी कर दी गई है। भारतीयों के लिए खुशी की बात यह है कि भारत उन टॉप 10 देशों में शामिल है जो क्लाइमेट चेंज की दिशा में सही और अहम कदम उठाने की पहल कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में भारत को 63.98 के स्कोर के साथ 10वें नंबर पर रखा गया है। बता दें कि इस टॉप 10 में भारत को लगातार दूसरे साल शामिल किया गया है। हालांकि इस बार भारत एक नंबर पिछड़ जरूर गया है। पिछले साल 66.02 स्कोर के साथ भारत 9वें नंबर पर था। अब बेहद दिलचस्प बात जानिए कि इस लिस्ट में टॉप 3 देशों में कौन से देश हैं या फिर नहीं हैं। जी हां, एक बार फिर इस लिस्ट में टॉप 3 देशों की जगह खाली छोड़ते हुए कहा गया है कि किसी देश ने पेरिस समझौते के मुताबिक इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया कि वो टॉप 3 में अपनी जगह बना सके। बता दें कि CCPI रैंकिंग 14 मानकों पर आधारित होती है, जिन्हें 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। ये कैटेगरी है, पहली ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी, तीसरा एनर्जी यूज और चौथा क्लाइमेट पॉलिसी। अब बात करते हैं कि आखिर क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं और भारत समेत साउथ एशिया के लोगों के पलायन को लेकर जो क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क साउथ एशिया की तरफ से एक चौंकाने वाली स्टडी आई है, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। जलवायु परिवर्तन के चलते होगा पलायन। जलवायु परिवर्तन के चलते तेजी से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, साफ पानी की कमी हो रही है, फसलों की बुआई में कमी आ रही है, साथ ही साथ सूखा पड़ने के मामले भी बढ़ रहे हैं। इन सब के चलते अगले 30 सालों में भारत से 4.5 करोड़, बांग्लादेश से 3.3 करोड़, नेपाल से 50 लाख, पाकिस्तान से 1.9 करोड़ और श्रीलंका से 1 करोड़ लोग पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस रिपोर्ट में पोलैंड, बुल्गारिया और रोमानिया जैसे देशों से कोयले का इस्तेमाल कम करने को कहा गया है। बता दें कि इन देशों ने फेज्ड मैनर से कोयले का इस्तेमाल बंद रखने की कोई योजना नहीं बनाई है। यूरोपियन संघ में नेचुरल गैस के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए गए हैं। इस समय यूरोपियन संघ प्राकृतिक गैस से जुड़ी 23 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश कर रहा है। बता दें कि पेरिस जलवायु समझौता 12
दिसंबर 2015 को हुआ था, जिसे 5 साल पूरे हो चुके हैं और अब 1 जनवरी 2021 से इसका ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन शुरू होना है। क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क साउथ एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका लगातार दूसरी बार इस रैंकिंग में सबसे नीचे है। वहीं प्लास्टिक के बढ़ते प्रदूषण की वजह से अब संयुक्त राष्ट्र ने विकसित प्लास्टिक उत्पादों के निर्यात के नियमों में बदलाव किया है। प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए ये नए इंटरनेशनल नियम साल 2021 से लागू होंगे। 1 जनवरी से लागू होने वाले नए नियमों के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक स्तर पर 5 साल के अंदर समुद्रों को साफ और प्लास्टिक मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। तो अगर आप भी एक गुड क्लाइमेट चेंज चाहते हैं तो आज से पेड़ लगाने पर ध्यान दीजिए और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम कीजिए।